जय हिंद स्टूडेंट। अभी अभी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कि बीजेपी सरकार की है, इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना को 1100 हॉर्स पावर के एयरक्राफ्ट का तोहफा दिया है। वो तोहफा क्यों दिया है, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई? तो जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो भी भारतीय वायुसेना में जो ट्रेनिंग करते थे पायलट, तो उनको क्या होता था कि पुराने प्लेन पकड़ा दिए जाते थे, जिससे कि हादसे होने के डर बहुत ज्यादा रहता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि जब पुराना प्लेन और पुराने जमाने का प्लेन कोई पर्सन उड़ा के प्रैक्टिस किया है और अचानक उसको हाईटेक प्लेन दे दिया था, तो उनको प्रॉब्लम होती थी। तो अब एचएएल ने क्या किया है कि पूर्णतः इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी निर्मित भारतीय वायुसेना को स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, क्या है उसका नाम, क्या है, HTT-40। HTT का मतलब क्या, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर BTA। BTA का मतलब क्या है, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, यानी कि जो ये एयरक्राफ्ट मिला है ये ट्रेनिंग देने के लिए मिला हुआ है। और ये किसका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने दिया है, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40। और ये भारतीय सेना को तो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी बीजेपी जो भी इस समय वर्तमान गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि छह साल में करार किया है कि 70 BTA जो है वो भारतीय वायुसेना को प्रदान किया जाएगा। और ये जो प्लेन है ये है BTA यानी HTT-40। क्या नाम है इसका, HTT-40। इसके जो कैपेसिटी है, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कितनी है, 450 kg, यानी 450 kg फ्यूल लेके उड़ सकता है। कितनी रेंज तक जाएगा, यानी एक बार जब उड़ान भरेगा तो कितनी दूर तक जाएगा, 1000 किलोमीटर तक। यानी अगर यूपी की बात करें तो यूपी से लेके वहां तक चाइना के बॉर्डर के अंदर घुस जाएगा, फिर इधर अगर दिल्ली से लेंगे तो पाकिस्तान तक घुस जाएगा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक चला जाएगा। फ्यूल रेंज हो गया। अब इसका जो लेंथ जो है वो करीब 34 फीट है, और जो इसकी ब्रेथ है यानी कि जो इसके पंखों का फैलाव है, जैसे पंख ऐसे फैलाएगा तो इसका जो ब्रेथ होता है ये पहुंचेगा 36 feet 5.5 inches। ये इतनी इसकी ब्रेथ होगी, प्लस इसमें जो फैन लगे हुए हैं वो फोर फैन है, जिसको प्रोपेलर बोलते हैं, प्रोपेलर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो BTA है यानी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसमें आप बम रॉकेट और इसके साथ साथ बम रॉकेट और कोई भी हथियार, इसमें कोई भी आर्टिलरीज आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा तोहफा है सैनिकों के लिए, और इससे देश की वायुसेना और मजबूत होगी। इसको जो करार किया है वो किया है HAL ने। HAL का गठन कब हुआ था, 23 दिसंबर 1940। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, अशोक नायक। इससे क्या होगा कि 1500 लोग को जो डायरेक्ट ये हायर करेगा यानी रोजगार मिलेगा, साथ में 3000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। अब क्या करेगा HAL, जब उसका 56 से लेके 60% तक ये पूरे पार्ट्स को खुद बनाएगा, तो सारे पार्ट्स को खुद नहीं बनाता। कि क्या होता है कि जैसे कि बंदूक बनाने वाली कंपनी है या एयरक्राफ्ट बनाने वाली, तो क्या करेगा कि जैसे पैडल है, मान लीजिए पैर रखने के लिए बना हुआ है, तो इसको खुद ही बनाएगा, इसको किसी छोटी कंपनी को दे देगा। तो इंडिया के MSME, मेड इन इंडिया के लिए जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी, जो नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनको भी इंपावरमेंट मिलेगा। तो इस तरह देश में रोजगार जनरेट होगा, और हो सकता है कि इन द फ्यूचर हम इसे दूसरे देशों को भी बेच सके, दूसरे देश भी इससे ट्रेनिंग कराएं अपने मित्र देशों को, तो इससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। थैंक यू।